नमस्कार जोहार आज हम बात फिर से शुरू कर रहे हैं आदिवासी बनना चाहते हैं झारखंड के जो यहाँ के पुराने बाशिंदा हैं कुर्मी समाज कुर्मी समाज का दावा है कि उन्हें भी एस सूची यानी सिजुल ट्राइब की सूची में शामिल किया जाए इस बात के इस बात को लेकर हम लोग तीन एपिसोड में बातचीत कर चुके हैं हम सबसे पहली बातचीत जो की थी इस प्रसंग में हाल के दिनों में पहले सालखर मुर्मू से बात हुई फिर ग्लैडसन डुंगडुंग जी से बात हुई फिर बोकारो के दीपक जी से बात हुई और आज फिर हम बात करने जा रहे हैं ग्लैडसन डुंगडुंग जी से और ग्लैडसन डुंगडुंग जी अपने गांव में हैं हमारी कोशिश होगी कि उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा मिले और हम लंबी बातचीत कर पाएँ उनके पास में बहुत सारे क्लरिफिकेशन्स हैं वो चाहते हैं कि जो बातें अब तक हुई हैं उसमें जो बातें बच रही हैं उस पर अपनी बातें रखें और कुछ जो वक्ता जो कह चुके हैं उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं ग्लैटसन डुगड जी को और ग्लैटसन जी नमस्कार जोहार जोहार और देखिए फिर आज हम लोग बातचीत के लिए एक साथ हैं है ना आप अपने गांव से हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडियो से तो हमारी बातचीत जो शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा भूमिका की ज़रूरत नहीं है आज सीधे हम लोग बातचीत पर आ जाएं और हम चाहेंगे कि पिछले पिछली बार जो मिस्टर दीपक पुनुरियार इन्होंने कुछ बातें रखी थी कुर्मी समाज के बारे में उनका दावा है कि कुर्मी समाज को एसटी में जल्दी से जल्दी फिर से शामिल किया जाए बल्कि उनका उनका तो कहना है कि वो पहले से ही आदिवासी सूची में हैं लेकिन एस टी से उनको हटा दिया गया या उन उनको नहीं शामिल किया गया जब भारत आज़ाद हुआ तो ये मसला है आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आ, फिर से मैं आपको इस विमर्श को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए और दोनों पक्ष के लोगों को सामने लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके साथ साथ मैं निरंतर कमेंट पढ़ता हूँ क्या हमारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो जैसे हमारे समर्थक हैं या फिर ट्रोल आर्मी है सारे लोगों को भी आदा करना चाहूंगा देखिए आज मैं चाहता हूँ कि तीन चीजें हम करें पहला तो जो झूठ के बुनियाद पर एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है उसको जो है कि हम थोड़ा क्लियर करें दूसरा जो सच्चाई है स्थापित सच्चाई है उसको नकारने की कोशिश हो रही है उस पर भी हम सच के सामने आए और तीसरा जो है कि भ्रम फैलाया जा रहा है न सिर्फ आपके द्वारा विमर्श किया गया उसमें बल्कि बाहर में ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है दूसरों के द्वारा खासकर कुर्मी समुदाय के द्वारा उन अच्छा। सब चीजों को हम मतलब सच्चाई के द्वारा सही दिशा में ले जाना चाहते हैं इसमें देखिए पिछले दिनों जब आपसे आपका बातचीत दीपक जी से हुई तो उन्होंने सबसे ज्यादा दो चीज पर जोर दिया था एक तो आ, आपका हर्बर्ट होप रिचले जो है उन्हें अठारह में एक एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाए थे जो बाद में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के रूप में ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल के रूप में पब्लिश हुआ तो उसको लेकर उन्होंने बहुत अपना पक्ष रखा उसको एक तरह से बैकबोन में रखा उसके साथ उन्होंने 1913 तेरा का जो रिपोर्ट था गवर्नमेंट का जो खासकर उन्होंने ट्राई प्लस कुर्मी को आपका ये मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट से बाहर किया था उसको उन्होंने जोर दिया तो इसको लेके हम लोग बात करेंगे तो पहला मैं ये कह रहा हूं कि जब ये रिजले साहब की रिपोर्ट आई थी और और एक घटना घटा था उसी दरमियान पुलिस का कोई बहाली हो रहा था यूपी में और उस समय में कुर्मी जो है उनको जो है नीची जाति दिखा दिया गया था एडवर्टाइजमेंट में तो इसको देख के जो है कि कुर्मी समाज जो है कि बहुत भड़क गए और उसी समय में उन्होंने आंदोलन छेड़ा और एक संगठन का गठन किया ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय समाज महासभा और उस महासभा से लगभग तीन दशक तक उन्होंने आंदोलन किया और उसी के बुनियाद पर उन्होंने सिर्फ ये संगठन के द्वारा सीधा दावा किया कि देश भर के कुर्मी जो भी खुद को बोलते हैं बल्कि देश भर के कुर्मी सभी तरह के कुर्मी उन्होंने कहा कुर्मियों को भी उसका हिस्सा बनाया ये सारे लोग जो है वो क्षत्रिय हैं इसलिए हम ट्राइब नहीं हैं हम निची जाति वाले नहीं हैं हम जो है इसलिए हमको वहां से हटाया जाए करके इन्होंने आंदोलन किया और उसके साथ इनका अधिवेशन जो है वो निरंतर होता रहा और इसमें आपको दो तीन अधिवेशन का मैं बताता हूँ एक तो 1915 में जो इनकी अधिवेशन हुई उसमें उन्होंने बजौब साक्ष्य प्रस्तुत किया देश के सामने ये कहते हुए कि हम लोग जो है क्षत्रिय हैं हम लोग और कोई दूसरा नहीं है ट्राइब नहीं है हम लोग क्षत्रिय हैं इसलिए हम हमें छात्रियों में शामिल करना चाहिए उसके बाद 1922 में बजाते इन्होंने का जो भी परंपरा को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख निवेदन किया कि हम छात्रियों को जब 1931 में जनगणना हो उस समय में क्षत्रिय के रूप में हमें दर्शाया जाए हमें ट्राइब के रूप में दर्शाया गया है सबको हटाया जाए हम शुद्ध रूप से छात्री है और इसी पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इनको जो है कि इसका लेटर नंबर भी है तीन सौ लेटर नंबर है तीन सौ तैतीस बाय उन्नीस सौ जी आप वो लेटर को अपने कैमरा के सामने लगा दीजिए ना दिखे लेटर तो में अभी यहाँ पे रखा नहीं हूँ असल में अच्छा लेकिन आच्छा, लोग पब्लिक डोमेन में खोज सकते हैं अठारह ग्यारह उन्नीस सौ तीस को सरकार ने बजपते हटाने का जो है कि वो नोटिस ज, मतलब जारी कर दिया और इनको जो है कि घोषणा कर दिया कि भारत के जितने भी कुर्मी हैं कुर्मी वो सारे लोग जो है कि क्षत्रिय हैं और उसी के बाद आप देखिएगा कि उन्नीस में हालांकि विश्व युद्ध की वजह से सेंसस नहीं हुआ लेकिन उस समय में आप गौर कीजिएगा धार्मिक सेंसस आया और धार्मिक सेंसस में आदिवासियों के लिए आदिवासियों को रखा गया अलग कोलम में लेकिन ये जो कुर्मी कुर्मी जो भी हैं इनको जो है कास्ट लिस्ट में डाल दिया गया हिंदुओं के साथ में डाल दिया गया तो ये मतलब पूरा मामला उनका उनकी मांग पर थी अब जो है हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि आखिर जेनेसिस क्या है ये जो कुर्मी शब्द है कुर्मी कुर्मी शब्द है वो कहां से आती है तो ये जो है एक कुनाबी शब्द है कुनाबी शब्द से कुर्मी शब्द आया है उसकी उत्पत्ति हुई है अब कुनाबी शब्द का अर्थ क्या है कुनाबी शब्द का अर्थ है किसान और अगर कु, 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 कुर्मी कुर्मी लोग को भी आप देखेंगे पूरे भारत में चाहे कोई कहीं पे महतो कोई बोलता है कहीं पे पटेल कहीं पे मेहता कहीं कुछ और ये सारे लोगों की पारंपरिक पेशा जो है वो कृषि ही है हुँ। तो इनकी शब्द की उत्पत्ति और इनका पेशा मैस्क करता है हुँ। अब इसमें जो उस दिन आपकी जो चर्चा हुई दीपक भाई से दीपक भाई ने कहा कि हम लोगों के ऊपर टी ने बिहार के कुर्मियों का ट्रेंड जो है कि थोप दिया उनकी रीति विधि सब कुछ के आधार पर हमें जो बताया कि ये आदिवासी नहीं है लेकिन मूल सवाल है कि क्या बिहार के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी कुर्मी महत्व तो अलग है ये बिल्कुल भी नहीं है ये एक है ये कैसे इनका आप देख लीजिए इनका ओरिजिन महाराष्ट्र से है कुंडी जाति से है उनका सबकास है दूसरा इनकी भाषा उस पर मैं विश्लेषण करूंगा इनकी सभ्यता ये सारा कुछ एक ही तरह का है कैसा कैसा है तो ओरिजिन तो मैंने आपको बता दिया कि कुनबी से जो है कि कुर्मी हुआ है वो महाराष्ट्र इनका ओरिजिन है अब भाषा देख लीजिए कुर्मी महत्व तो लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं लेकिन इनकी भाषा जिसके बारे में पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया कि वो इंडो आर्यन ग्रुप से है अब ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि हम द्रविड़ियन आदिवासी है तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो द्रविड़ियन कौन आदिवासी है उराव लोग हैं भाषा है तो इनकी भाषा पुरुक भाषा से मिलते जुलते रहना चाहिए लेकिन इनकी भाषा से मिल रही है इनकी भाषा बिहार का के जो कुर्मी है जो मघी बोलते हैं मघी भाषा से इनकी भाषा मिलती जुलती है इनकी भाषा कहा जाता है मघी और ए, दोनों भाई बहन है और दोनों का ओरिजिन जो है दोनों जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से आते हैं तो आर्य भाषा समूह से आने वाला जाति कैसे जो है कि ट्राइब हो सकता है ना उसी तरह पेशा देख लीजिए बिहार के कुर्मी खेतीहार हैं झारखंड के कुर्मी कुर्मी भी खेतीहार हैं तो वो भी मिलता है उसके साथ साथ जो मैंने सभ्यता की बात कही बिहार के कुर्मी जो भी हैं आर्यन सभ्यता की है नदी घाटी सभ्यता की है आदिवासियों के सभ्यता पूरे देश में देख लीजिए आदिवासी लोग कभी भी नदी किनारे नहीं बसे सीधा जंगल में ही बसे यहाँ पे अगर कुर्मियों का आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ बसे हैं आप चार नदी आपको मैं बताता हूँ दमोदर है उसके किनारे हैं कस आपत्ति है सुवर्ण रेखा है बैतननी है तो ये सारे नदी के किनारे ये नदी घाटी सभ्यता वाले हैं ये जंगल झाड़ वाले सभ्यता वाले नहीं है नहीं। तो ये तीनों इनको जो है कि बिल्कुल अलग करता है और ये बिहार ये कह नहीं सकते कि हम बिहार के कुर्मी अलग हैं हम अलग हैं तो बिहार के कुर्मी अलग हैं आप अलग हैं तो फिर आप दोनों की भाषा इंडो आर्यन कैसे है एक ही भाषा कैसे आप लोग बोलते हैं आप द्राविडियन है बोलते हैं तो आपका आपकी भाषा तो द्राविडियन होना चाहिए कहीं से मिलता जुलता नहीं तो बात यह है दूसरी बात उन्होंने नकारा था कि ये जो इंडिया कुर्मी महासभा से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर उसको आप देखेंगे तो जब ऑल इंडिया कुर्मी छात्रीय महासभा का जो सत्रवा अधिवेशन मुजफ्फरपुर में हुआ ये उन्नीस में उसमें कुर्मी महतो समुदाय के तीन लोग जो है कि प्रतिनिधित्व के इस क्षेत्र से पूरा कुर्मी इलाका से और उन लोगों ने वहां पर ब्राह्मणों से जो है वो धारण किया और आपने आपको बताया कि हम हम झारखंड के झारखंड तो नहीं था वो उस समय में वो छोटानपुर के जो भी कुर्मी है या फिर इधर बंगाल के कुर्मी है वो सारे कुर्मी महतो ही हैं और वहीं से आप देखिएगा इनके यहाँ सारा जो है कि दहेज प्रथा से लेके जो भी चीजें हैं आपका क्षत्रिय में वो इनके पास आया तो ये कह देना कि हम जो है कि ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा से कोई हमारा लेना देना नहीं है उन्होंने वो जबरदस्ती हमें खींचा ये सब बिल्कुल झूठा आरोप है ये उसके हिस्से हैं और तीसरी मैं, मैं, बात मैं, है। मैं यहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आ, आ, जलू, जैसा जलू। जैसा याद कीजिएगा कि दीपक जी ने जो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया उसके मुताबिक उनका ये दावा रहा है कि कुर्मी जो हैं वो हमेशा से आदिवासी हैं और हमेशा से आदिवासी रहे हैं इस पर जो इथेनिक सर्वे को उन्होंने रेफ़र किया जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था उसमें बता उनका दावा था कि वो कुर्मी समाज जो जो है उनको उसको रखा गया था ट्राइब्स में ही उसमें आदिवासियों में ही उसको शामिल किया सूची में ही शामिल किया गया लेकिन आ, एक एग्जम्पन एक एक्ट एक आया उसमें एग्जम्पशन की बात कही गई और उसमें इनको एग्जाम्प कर लिया गया जो कुर्मी समाज के लोगों को एग्जम्प कर दिया गया लेकिन उसके बाद एग्जाम उस उस एग्जम्पन के साथ साथ जब भारत का संविधान बन चुका और उसके बाद जो एस को एस में सूची में शामिल करने की बात हुई तो शामिल नहीं किया गया जबकि आदिवासियों को ज़्यादातर जो सूची में जो लोग अभी सूचीबद्ध जो हैं उनका उनका नाम तो पहले से था उसी तरह से इतनी सर्वे में जो आया और ये लोग इनका दावा है कि ये भी इतनी सर्वे में इन इनको भी ट्राइस में बताया गया तो इनको केवल छोड़ दिया गया उस सूची में शामिल नहीं किया गया बस इतना ये नहीं ये इस बात से भी इनकार करते हैं कि सूची में नाम शामिल था और उसको हटाया गया इस बात से वो इनकार करते हैं वो कहते हैं सूची में शामिल ही नहीं किया गया आप क्या कहेंगे इस पर देखिए इनकार करने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बजाते लेटर नंबर बताया साल बता दिया जब उन्हों इनका ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने मांग किया कि हम जो है कि क्षत्रिय हैं हम जो है ट्राइब या निची जाति वाले नहीं हैं तो इनके आधार पर उनको हटाया गया वो तो आपको बने बताया इनको शामिल किया गया उसके बाद ही जो कास्ट सेंसस जो आया सॉरी कास्ट सेंसस बता रिलीजियस सेंसस आया उन्नीस सौ इकतालीस में उसमें वो में चले गए तो ये हटाया ऐसे नहीं हटाया नहीं बोल सकते हैं। उनकी डिमांड पर उनको चला और देखिए हो सकता है आप कह सकते हैं जो है कि कोई जरूरी है कि एथनोग्राफर कितना हो चूंकि वो ब्रिटिश है और इसमें आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं ये ठीक उसी तरह का काम कर आर्ग्यूमेंट करते हैं जिस तरह से भाजपा और संघ परिवार करता है एक समय आप सुनते होंगे संघ परिवार वाले कहते थे आरएसएस वाले कहते थे कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं लेकिन आज देखिए जितने भी संघ परिवार के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं बड़े बड़े थिंक के नेता बन गए हैं चुने मतलब या तो राज्यसभा में गए हैं मंत्री बन गए सब कुछ हुआ है तो उसी तरह का तर्क इनका भी है मतलब आप समझ लीजिए जब ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स इनके पक्ष में कुछ लिख दिया उसको मानते हैं जो इंडियन इनके पक्ष में नहीं लिखा उसको गलत मानते हैं देखिए अगर आप देखिएगा आदिवासी हिस्ट्री के बारे में तो कौन भारत में सबसे जाने जाते हैं मतलब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में या इंडियन हिस्टोरियन में वो सुरेश डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने क्या लिखा उन्होंने कुर्मी महतो के बारे में लिखा कि ये लोग कृषक समुदाय से हैं और ये लोग जो है कि बहुत समृद्ध आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से समृद्ध लोग हैं ये वो आ, कुमार सुरेश सिंह को ट्राइब माना ही नहीं है तो हो सकता है ब्रिटिश पहले आए उस समय में तो उ, उनको उस टाइप का लगा होगा तो कोई जरूर नहीं कि एथनोग्राफी में जो लिखा गया वो सही है आपको तो मैं बोला गलतियां कई जगह हुई है एथनोग्राफर से भी हुई है उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई है कहाँ कहाँ हुई है कई एक जातीय समूह को उन्होंने ट्राइब समूह में डाल दिया है उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा लेकिन इसमें मैं और कुछ चीजों को जो खासकर दीपक जी ने इनकार किया सीधे सीधे उसको मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ अगर आप इसकी अनुमति दें जी करिए देखिए तीसरी बात जो है उन्होंने इनकार किया जब आपने सवाल पूछा था उनको कि जो शिवाजी समाज का गठन विनोद बिहारी महतो ने किया था तो क्यों शिवाजी समाज का गठन किया था उन्होंने कहा कि वो उसे कुर्मियों को लेना देना कुर्मी महतो को लेना देना नहीं था सभी लोगों के लिए था इसलिए उन्होंने शिवाजी का नाम दिया लेकिन ये सरासर झूठ है आपको मैं बताना चाहता हूं कि विनोद बिहारी महतो ने क्यों शिवाजी समाज का गठन किया उस समाज का उस समय में पहला तो गठन में आप देखिएगा वो सिर्फ पढ़े लिखे कुर्म, कुर्मी महतो को उस संगठन अं� का हिस्सा बनाया दूसरी बात उस संगठन का मकसद क्या था उस समय में कुर्मी महतो समाज खासकर संघा प्रथा मतलब पत्नी प्रथा बाल विवाह बहु विवाह दहेज प्रथा शराबखोरी महाजन प्रथा ये सब चीजों से ग्रसित था कुर्मी महतो समाज तो उसी चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने शिवाजी समाज का गठन किया था और उनका स्पष्ट दावा था कि कुर्मी महतो जो है शिवाजी के वंशज हैं और हम लोग क्षत्रिय हैं और इसीलिए उन्होंने कुर्मी समाज का गठन किया उसके साथ साथ आप ये भी देखिए रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी की मूर्ति किसने स्थापित की ये कुर्मी मातो को के लीडर रामटाल चौधरी ने स्थापित किया क्यों स्थापित किया क्योंकि वो मानते हैं कि वो जो है कि महत्व कुर्मी महतो लोग शिवाजी के वंशज हैं और इसमें दो राय है भी नहीं वो वंशज हैं ही है लेकिन आप सीधे उसको नकार देना इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सच्चाई छुपती नहीं आप जितना भी वो नकारेंगे सच्चाई छुपती नहीं है चौथा लोग करते हैं कि में सबसे पहले जो है जो बसिंदे हैं वो कुर्मी महतो ही है कुछ कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि यहाँ के ओरिजिनल बसिंदा है मतलब ये कहीं से आए नहीं है आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने दो पांच जनवरी 2011 को कहा कि इंडिया एक इमाइग्रेंट लोगों का देश है इंडिया में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि ये आदिवासी ही यहां के प्रथम निवासी हैं, जो पहले और बाकी नाइन्टी टू परसेंट हैं वो या तो आ, मतलब व्यापार करने आए उनके वंशज हैं जैसे टाटा ग्रुप वगैरह व्यापार करने आए ईरान से या फिर जो है आक्रमण करके आए आर्यों के बारे में तो ये लोग आर्य थ्योरी को भी नकारते हैं सीधा कहेंगे ये तो गड़बड़ है क्योंकि ब्रिटिश ने लिखा है लेकिन जो इनके पक्ष में लिखा है उसको सही बोलेंगे तो म, मसला यह है क्या इन्होंने ये कैसे आए कहाँ से आए ये अपना ओरिजिन को कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो जो है कि महाराष्ट्र मतलब आ, किन, आ, क्या बोलेंगे मध्य भारत से आए महाराष्ट्र और गुजरात तो ओरिजिन को नकार नहीं सकते यहां अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मुंडारी भाषा समूह के लोग आए और उसमें भी असुर लोग आप देखिए जो जिन्होंने लोहा बनाया इधर मुंडा लोग हो लोग भी लो, लोहा की लोहा मतलब सबसे पहले कुल्हाड़ी उनके पास था उसी के आधार पर टाटा कंपनी वहां पर माइनिंग शुरू किया तो ये सब चीजों को इनकार नहीं किया जा सकता और इसके साथ पांचवा चीज वो कहते हैं हमने आदिवासियों को बसाया और खासकर उरांव आदिवासियों को कहते हैं कि हमने उरांव आदिवासियों को बसाया आप बताइए जब उरांव आदिवासी लोग रोहतासगढ़ से आए तब बुड़मू क्षेत्र में वो मुंडा लोग जो है जब मुंडाओं को उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि वहाँ किस तरह से उनका मुठभेड़ हुआ कैसे भगाए गए तब मुंडाओं को तरस आ गया तब मुंडाओं ने वहाँ पे जो है कि जो भी पांच दिन का सभा हुआ नाच गान जो भी हुआ कहते हैं मुड़मा जिसके याद में जत्रा आयोजन किया जाता है फिर मुंडाओं ने वहां पे बसाया तो कहाँ से महा तो लोग मुंडाओं को बसाएंगे तो हर चीज पर ये लोग जो है कि दवा करते हैं और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि झारखंड आंदोलन में हम लोग साथ साथ थे तो अभी खाली मलाई खाने में आदिवासी हैं, क्यों हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तो मसला वहां भी भी कि झारखंड आंदोलन में साथ साथ थे झारखंड आंदोलन में कब साथ साथ थे आप याद कीजिए झारखंड आंदोलन की शुरुआत कब हुई मतलब तीस के दशक में उस समय में कहा थे जब आदिवासी महासभा का गठन हुआ उस समय महा तो थे कोई नाम आप बता दीजिए जिसका नाम हम लोग याद करें के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी बनाया उस समय वो कहा थे यदि जब झारखंड आंदोलन पिक पे था उस समय में अगर कांग्रेस ने झारखंड बना दिया होता झारखंड का गठन हो गया होता तो कुर्मी महतो कहीं दिखते झारखंड आंदोलन में ये तो बहुत बाद में पहला इनके नेता ही हुए वो जो है आपका विनोद बिहारी महतो जिन्होंने शिवाजी समाज का गठन किया और उसके दो साल के बाद सिबू सोरेन ने सोना संताल समाज का गठन किया और ये दोनों को मर्ज करके इन्होंने उन्नीस में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और यहीं से कुर्मी लोग झारखंड आंदोलन का हिस्सा बने उससे पहले तो नहीं थे अगर मैं मेरे पास जानकारी नहीं है तो आप किस लिए आप तो झारखंड मूवमेंट का हिस्सा रहे आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कह सकते हैं कि आप नहीं जानते हैं कुर्मी लोग जो है कि झारखंड आंदोलन में बहुत क्रांति किए हैं तो इसलिए मैं इस सब सच्चाई को ला रहा हूँ बहरहाल तो आपके पास में जो बातें आपने अब तक रखी हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात आपने कही है आपने पूरी तरह से हाँ। नकार और, दिया और है और कुछ, कुछ कुछ चीजों को मैं रखना चाहता हूँ दो तीन चीज बाकी है बोलिए और ये लोग दावा करते हैं ये कहते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया हम्म और आजकल तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि संताल विद्रोह में हम लोग थे कोल विद्रोह हम में हम लोग थे कोई कोई लोग बिरसाउल गुलान को भी दावा ठोक रहे हैं मुझे कभी हंसी आती है समझे कि नहीं और भूमिज लोग जो है भूमिज लोग जो आंदोलन किए उसको वो बोलते हैं कि हमने आंदोलन किया तो कहने का मतलब ये सब जितने भी बोलने से थोड़ी होता है अभी आजकल आप देखिएगा विकीपीडिया में लोग भर दे रहे हैं क्योंकि विकीपीडिया को कोई भी एडिट कर सकता है इनको लगता है कि लोग बेकूफ हैं विकिपीडिया में पढ़ लेंगे तो सच मान लेंगे विकिपीडिया में आप एडिट करके कुछ भी आप डाल सकते हैं लेकिन वो सच नहीं है जब तक उसका रेफरेंस आप नहीं देंगे और आठवीं बात मैं जो कहना चाहता हूं वो है लोकुर कमेटी क्योंकि लोकर कमेटी को रेफरेंस दीपक जी ने भी दिया था और जब आदिवासी को मतलब शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट बनता है शेड्यूल ट्राइब का जब लिस्ट बना उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था तब उन्नीस में लोकुर कमेटी बनाया गया और लोकुर कमेटी को कहा गया कि आप क्राइटेरिया बनाइए अब लोकुर कमेटी ने उसमें पांच क्राइटेरिया बनाया कि कौन कौन समुदाय जो है जिसको आप शेड्यूल ट्राइब में का लिस्ट में शामिल करेंगे अब उसका पहला जो उन्होंने बनाया है उसमें है आदिवासी नहीं, नहीं, आदिम लक्षण प्रीमेटिव ट्रेट्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको तब आदिम लक्षण में क्या है भाई कि आदि काल से रहने वाले लोग मतलब उस समय में कैसे लोग रहते थे तो उसका बड़ा जो है लाइन पहला सबसे प्रमुख चीज है वो हंटिंग एंड गैदरिंग आदिवासियों को हंटर एंड गैदरर्स कहा जाता था ना सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी लोग हंटर और गैदरर्स थे और आज भी हैं आज भी अब चले जाइए आ... यानी शिकारी भी होते हैं और ये वन हाँ। उत्पादों को चुनते हैं इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा हाँ। करते हैं तो आप अभी आप देखेंगे चाहे जितनो आदिवासी चाहे खड़िया हो मुंडा हो उरांव हो संताल हो 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 या कोई भी और आदिवासी समुदाय हो जो जितनों भी पढ़ लिख गया है ये हंटिंग और गैदरिंग को छोड़ा नहीं है आप खरिया के पास चले जाइए तो शिकार करने भी जाते हैं महुआ चुनते हैं लाज चुनते हैं आपका करेल पुटू सब इकट्ठा करें मुंडाओं के पास चले जाइए वहाँ भी सरा है हो के पास चले जाइए संताली के पास चले जाइए कहीं भी चले जाइए क्या आप एक उदाहरण बता सकते हैं जहाँ महतो लोग जो है कि शिकार पर जाते हैं कोई प्रथा उनके पास है शिकार करने का कोई प्रथा उनके पास है जो जंगल से कांधमूल इकट्ठा करने का या फिर लाह इकट्ठा करने का करिलेल पुटू इकट्ठा करने का कुछ एक उदाहरण बता सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है ये लोग शुरू से कृषक रहे हैं तो कृषक समुदाय में कहा से आपको ट्राइबल ट्रेड्स मिलेगा क्रिटिव ट्रेड्स मिलेगा उसी तरह पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संताल हो खासकर चूंकि ये पांच ग्रुप है संताल मुंडा हो खड़िया उरांव ये सब के बारे में प्रमुख आबादी इनकी इसलिए कहा जाता है खड़िया कम है फिर भी शिक्षा के मामले में आगे हैं अगर हम जनसंख्या देखें महतो अगर आदिवासी हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी है अभी तो अभी तक का ट्राइब में सबसे ज्यादा जनसंख्या झारखंड में संतालों की है तो यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी है तो इनकी पारंपरिक व्यवस्था की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आज तक क्या आपने कोई रिसर्च में देखा है कुर्मी महतो का पारंपरिक व्यवस्था मुंडाओं का पारंपरिक व्यवस्था को कहते हैं मानकी मुंडा खड़िया लोग कहते हैं डोकलो सोहर उड़ाओ लोग पढ़ा व्यवस्था कहते हैं संताली लोग कहते हैं मांझी परकना हो लोग कहते हैं मानकी मुंडा हमको कोई बता दे कि महत्व लोगों का कोई पारंपरिक व्यवस्था का कोई नाम भी है कि कोई विद्वान ने उस पर कोई रिसर्च किया है आज तक नहीं किया चूंकि उनके पास है ही नहीं आजकल वो दिखाने के उल्टा से कुछ कुछ नाम दे देते हैं अलग बात है लेकिन अगर कायदे से और दुनिया में इंडिजिनस पीपल्स के लिए ये पारंपरिक व्यवस्था होना सबसे अहम मतलब जरूरी चीज है तो आदिम लक्षण इनके पास है नहीं दूसरा जो कहता है लोकुर कमिटी कि वही एस का बन सकता है जिनके पास विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए झारखंड में आप देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है नाच गान के लिए कभी कोई महत्व कम्युनिटी को बुलाया है क्या हर जगह आप देखेंगे संताल लोग अपना नाच गान कर रहे हरा जो भी उनका ट्रेडिशन उनका वेशभूषा है उसको पहन के इधर लाल पार साड़ी पहन के लोग डांस कर रहे हैं खड़िया लोग अलग नाच आपको सिमडेगा में दिखाई देगा हो दिसुम में आपको दिखाई देगा संताल मुंडा दिसुम में नाच दिखाई देगा अलग अलग कभी कोई कुछ दिखता है ये कुर्मी महतो का कभी कोई मंच पर कुर्मी महतो का कोई सांस्कृतिक आपको नहीं दिखाई पड़ेगा प्रदर्शन तो फिर कहा से वो आएंगे वो तो दूसरा भी नहीं आता है विशेष सांस्कृतिक में वो कहीं है नहीं है उनका टूसू वगैरह को विशिष्ट संस्कृति माना जा, जाता नहीं है मतलब आदिवासियों का तीसरा जो है वो लोकुर कमिटी उसमें भौगोलिक आइसोलेशन भौगोलिक आइसोलेशन में भी इनका कहीं कुछ दिखता है इनका कोई एक टेरिटोरी है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये ए, मतलब महतो कुर्मी महतो का टेरिटोरी है संताल लोग संताल दिसुम कहते हैं मुंडा लोग मुंडा दिसुम हो लोगों का अपना हो लैंड है खड़िया का अपना जो है कि सिमडेगा से लेके सुंदरगढ़ तक उनका है उधर उराव लोग जो है कि रोहतार, रोहतास रोहतासगढ़ से जरूर आए लेकिन लंबे समय से आए उनका अपना एक इलाका बन गया है यहाँ पे लोहरदगा से लेके गुमला इधर पूरा इलाका बन गया है तो एक टेरिटोरी भी तो होना चाहिए टेरिटोरी भौगोलिक आइसोलेशन में कहीं उनका है नहीं चौथा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा कि वृहत समुदाय से मिलने जुलने में उनको दिक्कत होता है संकोच करते हैं कभी आपने देखा कुर्मी समाज को किसी दूसरे समाज से मिलने में संकोच होता होगा कभी नहीं होता है वो दशहरा से लेके हर एक जगह पर हर एक जगह समुदाय का मतलब हिंदू कास्ट जो भी जाती है उनसे मिलने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है कहाँ से उनको आएंगे उसके साथ आर्थिक पिछड़ापन उसमें तो कहा ही है आपका कुमार सूर्य सिंह ने पहले ही कहा है कि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से समृद्ध है तो ये जो लोकुर कमेटी का पांच जो क्राइटेरिया है उसमें भी कहीं फिट नहीं आ रहे हैं तो कहां से ट्राइब होंगे तो ये सब चीज में वो हो नहीं रहे उसके साथ साथ इनका जानते हैं कुर्मी में भी विभाजन है मतलब जो इंटेलेक्चुअल है या एक्टिविस्ट है आधा लोग बोलते हैं कि वो शिवाजी के वंशज है आधा लोग बोलते हैं नहीं है और कुछ लोग यहाँ तक आपने कमेंट में देखा होगा लोग लिख रहे हैं कि शिवाजी के वंशज जो है उनको महाराष्ट्र में एस का दर्जा मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए मतलब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप शिवाजी के वंशज भी होना चाहते हैं एस का दर्जा भी लेना चाहते हैं अगर कहीं पे हमको तो पता नहीं किस कौन शिवाजी के वंशज है जिनको एस का दर्जा मिला है वो भी क्या होगा तो तो गलती है मैंने कहा है सरकार जो है सिर्फ राजनीति के लिए जातीय समूह को नस्लीय समूह में तब्दील कर रही है जो गलत है और एक बात मैं कह के खत्म करना चाहता हूं अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो कहेंगे Hmm. कुछ कुछ लोग जो है चीजों को इतना गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं जैसे वो, वो कमेंट में मैंने पढ़ा था किसी ने कहा कि एबोरिजिनल शब्द को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं हटाया बल्कि नेहरू ने हटाया मतलब ऐसे नैरेटिव फिक्स करते हैं कि नेहरू हर चीज के लिए दोषी है वो सच्चाई जानते भी नहीं है जबकि आज के समय में हर चीज उपलब्ध है नेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट हुआ है वो नेट में उपलब्ध है तो जो जो लोगों को लगता है कि संविधान का अनुच्छेद तेरह तीन से एबोरिजिनल शब्द को आदिवासी शब्द को नेहरू ने हटाया कृपया एक दिसंबर उन्नीस का और दो दिसंबर उन्नीस का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट पढ़ लीजिए जिसमें डॉक्टर भीम अंबेडकर ने एक दिसंबर को संशोधन नंबर भी मैं बता रहा हूं आपको चार सौ इक्यानबे के द्वारा संविधान से आदिवासी शब्द को एबोरिजिनल शब्द को हटा दिया इसलिए ये झूठा प्रचार प्रसार करना नहीं चाहिए जो सच है उसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं तो ये झूठा आज कल खत्म ही होगा हम्म बहुत सारी बातें आपने कर दी साहब एकदम एक ही आ, रफ्तार में और एक ही आ, सिलसिले म, से मैंने आपको सवाल उठाने भी नहीं दिया <laughs> तो आप अभी उठा सकते हैं <laughs> नहीं कोई बात नहीं हम लोग अभी भी इस, इस श्रृंखला को भी जारी रखेंगे हाँ ये ख़त्म नहीं हुआ है आ, बहुत सारी बातें आपने की और खासकर लोकल कमेटी की बात जो आपने की वो बड़ा माइक मार्के का है और उस पर दस्तावेज पब्लिक में आना चाहिए पब्लिक डोमेन में है आपने कहा तो उसका रेफरेंस आप जरूर दीजिए कहाँ पर कै, कैसे अवेलेबल होगा कि आम लोग उसको आ, देख सकें समझ सकें हाँ इसके अलावा भी हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम लोग कम से कम दस्तावेज तो सामने रखें किसी के मौखिक तौर पर कहना और दस्तावेजों को रेफ़र करना ये दोनों दो बात है आप जैसे जिस ढंग से रेफ़र कर रहे हैं उन दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा हम सबको लाना पड़ेगा एक्चुअली एक्चुअली किस लाइट पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है इसलिए मैं वो सबको नहीं लाता हूँ आपको अगर गूगल में सर्च करेंगे लोकुल कमेटी रिपोर्ट तो लोकुल कमेटी की रिपोर्ट स्कैन करके अपडेट किया हुआ मिल जाएगा उसी तरह मैंने कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली का डिबेट कहा जो चिट्ठी का मतलब मैंने रेफर, 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 रेफरेंस दिया है वो सब कुछ चीजें उपलब्ध है आज की तारीख में कोई छुपा नहीं है अगर है। मैं अगर एकदम ला के यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बोलूंगा तभी सच्चाई ऐसा थोड़ी है ना जिनको रिसर्च सारी चीजें रिसर्चर लोगों ने डाल के रखा है सरकार आजकल हर चीज चीजों को डाल रही है नेट में हर हाँ चीज़ पब्लिक डोमेन में है हाँ, ये आ, आप इतना कह सकते हैं कि ये हर व्यक्ति के एक्सेस में नहीं है क्योंकि लोग सर्च करना भी बहुत लोग नहीं जानते हैं गूगल में बहुत लोग डाउन करने डाउनलोड करने नहीं जानते होंगे सब चीजें समस्या है लेकिन पब्लिक डोमेन में हर हाँ चीज उपलब्ध है आज के समय चलिए अच्छी बात है कि लोग लेकिन लोग अब सीख रहे हैं और लोग जानना चाहेंगे और ये उत्सुकता ये उत्सुकता बढ़ी है खासकर अपना अपने पूर्वजों अपने इतिहास के बारे में जानने की ये अच्छी बात है इसको तो हम लोग प्रशंसा करते हैं हम लोग इसको चाहेंगे कि लोग इस पर बातें करें और आप दर्शकों से भी अनुरोध है अभी तक आपने ग्लैडसन जी को सुना और हम चाहेंगे कि आगे भी ये बातचीत खत्म नहीं हुई है ये एक श्रृंखला है ये लंबी श्रृंखला चलेगी हम दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि उन वो अपनी प्रतिक्रिया हमें दें लेकिन संभली हुई भाषा उनकी भाषा थोड़ी संभल कर दें कि हम आ, उन बातों को हम रख सकें उसको डिलीट करने की हमें नौबत ना आए कि उसको डिलीट किया जाए कमेंट्स को ऐसी भाषा का हम लोग प्रयोग करें और अपनी बातें रखें जब रिसर्च की बात है तो इसके लिए ग्रुप आपके बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप हैं जैसे अभी ग्लैटसन जी ने जो अपना कलेक्ट किया डेटा जिस ढंग से आप भी उसको रख सकते हैं दीपक जी ने भी बहुत कुछ चीजें रखी हैं और आगे भी कई वक्ता आएंगे जो अपनी बातें रखेंगे हम सबसे अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बातें तथ्यों पर आधारित रखें कम से कम दस्तावेजों पर आधारित वो ठीक है जैसा कि अभी ग्लैटसन जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में है तो इसकी हम लोग जाँच करें हाँ विकिपीडिया के बारे में इन्होंने जो कहा एकदम सही है कि विकीपीडिया में कोई भी एंट्री कर सकता है अब है कि उसको खारिज भी किया जा सकता है उसको खारिज करने के लिए भी लोग उसको एडिट कर सकते हैं आप उसमें अपना अपनी पहचान बताकर आप उसमें उसको खारिज भी कर सकते हैं तो ये परंपरा चलती रहेगी एक अच्छा विमर्श है खासकर हम जो इंसानी समाज में हैं एक सभ्य समाज के लोग हैं हम लोग सब और हम लोग चाहेंगे कि बातों से विमर्श से नतीजे तक हम पहुँचें तो ग्लटसन जी को हम एक बार फिर से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए और अपने गांव से बहुत दूर से ये बातचीत कर रहे हैं ये कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है और जानते हैं झारखंड में गाँव में कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है इसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला तो ग्लैशन जी का बहुत धन्यवाद आभार आप दर्शकों का भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपकी उत्सुकता को जगाता है तो हम हम कहीं से भी हम लगेगा कि हमारा कुछ मेहनत हम लोगों की मेहनत सफल हो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें इसे अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें और इस पर विमर्श जारी रखें अब तक हमारे चैनल फैक्ट फा, फोल्ड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें एक बार फिर से आप सबको नमस्कार जोहार और ग्रशन जी को भी बहुत धन्यवाद जोहार जोहार और आपको भोग भोग भी बहुत बहुत शुक्रिया विमर्श निरंतर